हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, दैट इज द रेड रूम। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। डू यू बिलीव इन घोस्ट्स एंड अदर सुपर नेचुरल पावर्स? क्या तुम जो हो वो भूत या मतलब सुपर नेचुरल पावर जो होते हैं भूतों के, उसमें बिलीव करते हो? मैनी पीपल डू, बहुत सारे लोग जो है वो बिलीव करते हैं ये सारी चीज़ों में। Here's the story of a brave young man who decides to prove that ghosts don't exist. ये जो story है द रेड रूम, ये एक young man के बारे में है जो कि decide करता है ये prove करने के लिए that ghosts don't exist. Ghosts जो होते हैं वो नहीं होते हैं दुनिया में। Read on to find on what happened to him on that frightful night which he spent alone inside a great haunted room in an old castle. तो ये जो स्टोरी है वो पढ़ के हमें समझ में आएगा कि किस तरह वो एक फ्राइटफुल नाइट जो है स्पेंड करता है उस कैसल में, हॉन्टेड रूम में। हॉन्टेड रूम मतलब जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भूत है, यहाँ सुपरनैचुरल पावर है। कैसल मींस जो पुराने ओल्ड टाइम में जो लंबे लंबे बिल्डिंग बनाए जाते थे उसे हम ओल्ड कैसल बोलते हैं। आई कैन एश्योर यू, सेड आई, दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी फ्राइटेंड। I do not believe in ghosts. Indeed, if ghosts do exist, they will have to work very hard to scare me. Young man जो है वो बोलता है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा किसी को भी मुझे डराने में, क्योंकि मुझे घोस्ट में बिलीव ही नहीं है। अगर घोस्ट हैं दुनिया में तो ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा मुझे डराने के लिए। एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड। ये बोलते हुए वहाँ पर एक फायर प्लेस था, आग जल रही थी, तो उसके हाथ में ग्लास था, कुछ ड्रिंक कर रहे थे वो, तो वो खड़े हो जाते हैं ये बोलते बोलते, ग्लास उनके हाथ में ही था। इट इज़ योर ओन चॉइस, सेड द मैन विद द रिंकल्ड आर्म एंड ग्लैंस्ड एट मी हेजिटेंटली। तो वहाँ पे एक रिंकल्ड आर्म काफ़ी बूढ़ा आदमी था वहाँ बैठा हुआ, उसके तरफ देखते हुए हेजिटेंटली देखते हुए वो बोलता है इट्स योर ओन चॉइस, ये आपका चॉइस है। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ, आई सिंपली डोंट बिलीव इन दैम, सेड आई। तो यंग मैन बोलता है कि मैं 28 इयर्स का हूँ और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में घोस्ट नहीं देखा है और मैं इस सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता हूँ। द ओल्ड वुमन सेट स्टेयरिंग हार्ड इनटू द फायर, हर पेल आईज वाइड ओपन। तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमन भी बैठी हुई होती है, तो वो उसको घूरते हुए देखती है, मतलब फायर प्लेस फायर की ओर देखते हुए बोलती है, हर पेल आईज, और उसकी आँखें जो थी वो खुली हुई थी। ए सी ब्रोक विथ अ मोनोटोनस टोन, बट इन ऑल दोज 28 ईयर्स यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस। हो सकता है तुमने 28 ईयर्स में घोस्ट नहीं देखी हो, बट क्या तुमने 28 ईयर्स में ऐसा घर देखा था? इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजडीज एंड सोरोज, ये घर जो है वो फुल ऑफ ट्रेजडी है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एंड सोरो, आई हैव सस्पेक्टेड दैट द ओल्ड पीपल वेर स्पीकिंग सो ग्लूमली टू इनहेंस द क्वेरर नेचर ऑफ द हाउस दैट दे हैड बीन लुकिंग आफ्टर। तो ये सब सुन के यंग मैन को लगता है कि ये लोग दोनों जो ओल्ड मैन हैं, एक ओल्ड मैन और ओल्ड वूमन, ये लोग जो है उसको फोर्सफुली मतलब ऐसा बिलीव करवा रहे हैं कि यहाँ पे घोस्ट है, और वो दोनों जो है वो लुक आफ्टर थे, मतलब इस घर में कैसल में वो लोग देख रेख करते थे। वेल आई से लेट सी इफ़ आई मीट द घोस्ट, तो यंग मैन बोलता है चलो देखते हैं कि मैं घोस्ट से मिल पाता हूँ कि नहीं मिल पाता हूँ, आपकी बात में कितनी सच्चाई है। Then I heard someone entering the house from his slow footsteps. It sounded that he was older than the two people sitting before me. तभी वो उसको सुनाई देता है कि कोई हाउस में एंट्री कर रहा है, मतलब पैरों का फुट स्टेप का आवाज़ आता है, तो उसकी आवाज़ से इसका लगता है मतलब फुट स्टेप इतना स्लो था, आवाज़ जो आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो जो दो पीपल उसके सामने बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन ओल्ड वूमन, उससे भी वो बूढ़े हैं। ट्रू एनफ एन ओल्ड रिंकल मैन वॉक्ड इन टू द रूम विद द हेल्प ऑफ ए क्रच, तो ओल्ड मैन जो था वो अपनी क्रच की हेल्प से उस रूम से चले जाता है। क्रच मीन्स अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबा सा स्टिक होता है जो कि शोल्डर के नीचे रखा जाता है जो कि हेल्प करता है चलने में। ऑन वन आई ही वोर अ पैच, इनफैक्ट ऑल थ्री पीपल देमसेल्व्स लुक्ड लाइक घोस्ट, दैट इज इफ द घोस्ट एग्जिस्टेड, देयर क्लॉथ्स मैनर्स एंड स्पीच ऑल बिलोंग टू द पास्ट। तो यंग मैन को लगता है कि अगर वो जो आवाज़ है वो घोस्ट की है, तो वो घोस्ट जो है वो काफ़ी पुराना मतलब पुराने ज़माने का होगा, तो उसका मैनर स्पीच क्लॉथ सब पुराने ज़माने के होंगे। इट इज़ योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। ओल्ड मैन जाते जाते एक बार और बोलता है सेम वही लाइन कि ये तुम्हारी चॉइस है डियर बॉय। ए इट इज़ नाउ प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ दिस इन फेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, आई आस्क्ड। तो
तो यंग मैन जो है वो बोलता है कि प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि इन फेमस हॉन्टेड रेड रूम कहाँ है जहाँ पे मुझे आज की रात बितानी है। वेल इफ़ यू इंसिस्टेंट ऑन डूइंग डैट यू मस्ट गो देयर अलोन। तो वो बोलते हैं कि अगर ठीक है तुम्हें इतनी ही बेताबी हो रही है उस रूम में नाइट स्पेंड करने का तो तुम वहाँ अकेले जा सकते हो। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर। हमें इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग वहाँ जाएँ। देयर इज़ अ कैंडल आउटसाइड लाइट इट टू सी द वे। बाहर एक कैंडल है उसे जलाओ और उसकी हेल्प से रास्ता देखते हुए वहाँ पहुँच जाना। वॉक अलॉन्ग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस स्पायरल स्टेयरकेस। वो बताते हैं ऐसे ऐसे जाना है स्टेयरकेस आएगा। क्लाइम एंड देन यू विल सी अ डोर विच इज़ कवर्ड विथ अ ग्रीन क्लॉथ। स्टेयरकेस को क्लाइम करना ऊपर चढ़ना वहाँ पर एक डोर दिखेगा जो कि कवर है ग्रीन कपड़े से। इंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर। कॉरिडोर में एंट्री के लिए तुम्हें एक डोर को है उसके अंदर जाना पड़ेगा। द रेड रूम इज़ द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। रेड रूम जो सबसे लास्ट में है वो कॉरिडोर का सबसे लास्ट में है ओल्ड मैन ये बताता है। आई वॉक्ड अलोंग द डार्क एंड शेडोई कॉरिडोर टू रीच द रेड रूम। तो ये यंग मैन जो है वो डार्क रास्ता था पूरा अंधेरा था एक कैंडल की हेल्प से वो जाता है रेड रूम में पहुँच जाता है। शेडोज डांस्ड अक्रॉस और उसको लगता है कि उसके पीछे जो है कुछ परछाई जो है वो डांस कर रही है। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड पर ये हिम्मत नहीं करता है पीछे देखने की। आई द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड। कॉरिडोर जो है उसका जो स्मेल था वो ह्यूमिड था काफ़ी समय से बंद जो रहता है ना अजीब स्मेल आती है। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सॉ शेडोज ऑफ पीपल हडल टुगेदर। सोचा कि वो देखता है पीछे देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं परछाई में सब दिख रहा था कि बहुत सारे लोग जो जमा हैं परछाई ऐसी दिख रही थी। शेकन आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्व्स। वो डिमांड करता है कि तुम लोग सामने आओ अगर है घोस्ट तो सामने आओ। नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो जाता है आगे पर पीछे देखता है वो फिर थक के देखता है वो स्टैचू था। द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरियन कैसल वॉज सो बिग। रेड रूम जब वो गया तो बहुत बड़ा था वो अंधेरा था वहाँ पे और इतना अंधेरा था इतना बड़ा था वो रूम कि एक कैंडल से पूरा सब चीज़ दिख नहीं रहा था। अप्रिहेंसिव आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हियर एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर वो याद करता है उसको याद आता है अपने फ्रेंड का जो कि लास्ट टाइम यहाँ आया था और नेक्स्ट सुबह वो मरा हुआ पाया गया था। आई और उसको और भी याद आता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं जो भी रहे हैं वो नेक्स्ट डे जो है सर्वाइव नहीं कर सके इस रूम में वो मरे हुए पाए गए थे। तो वो डिसाइड करता है पूरे रूम का वो सर्वे करेगा और डैट नथिंग वुड सरप्राइज ही पूरा सर्वे किया पर उसको कुछ मिला नहीं। देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम। फिर जो भी कैंडल थे पड़े हुए रूम में उसको उसने सब जला दिया। कर्टेन पर्दे हटा दिए ताकि ये देखने के लिए कि उसके पीछे कुछ छुपा तो नहीं है। तो फायर प्लेस भी था वहाँ पे तो वो भी उसको जला देता है। फिर वो बैठता है एक बड़े से चेयर में द टेबल एज अ बैरिकेड और जो क्या होता है वो टेबल को बैरिकेड की तरह यूज़ करता है ताकि कोई अंदर ना आए। आई सेट दे आर वेटिंग इन सॉलिट्यूड। वहाँ वेट करता है वो बैठ करके कि कास्ट कुछ तो ऐसा हो वियर्ड जो उसको लगे कि हाँ चलो घोस्ट है। तो मतलब वो शेडो जो है वो रूम के बाहर ऐसा लग रहा था कि नाच रहा है। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन ऑफ समथिंग मे बी प्रेजेंस। उसको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो है वहाँ पर उसके आसपास। आई वॉज सो नर्वस। फिर वो नर्वस भी हो गया था और क्या होता है रात के बीचों बीच टू कैंडल्स ब्लू आउट बुझ जाता है। उसके बाद वो जाता है जलाने के लिए पर देखता है सबके सब जो कैंडल है वो धीरे धीरे बुझ रहे होते हैं और मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ कैंडल्स देखने को मिलता है जिसको किसी ने मतलब क्रश कर दिया हो मतलब हाथ से जो है उसको मसल दिया हो उसको ऐसा फील होता है।